पंच केदारों में प्रसिद्ध तीर्थ केदार तुंगनाथ के कपाट आज सुबह 11:30 बजे शीतकाल के लिए विधि विधान से बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने की प्रक्रिया में तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग को समाधिस्थ किया गया। सुबह 9 बजे से कपाट बंद के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि तुंगनाथ क्षेत्र और मंदिर के निकट कुछ दिन पहले बर्फबारी हुई और बर्फ अभी भी जमी हुई है। मौसम बहुत ही सर्द बना हुआ है। आपको बता दें कि तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद तुंगनाथ भगवान की जल विग्रह डोली मंदिर परिसर में विराजमान हुई। मंदिर की परिक्रमा के पश्चात प्रथम पड़ाव चौपता के लिए प्रस्थान किया, जहां पर भगवान तुंगनाथ की डोली का भव्य स्वागत हुआ। आज देव डोली रात्रि विश्राम चौपता में करेगी। 8 नवम्बर को देव डोली बड़तोली होते हुए भनकुन पहुंचेगी, जहाँ रात्रि प्रवास भनकुन में रहेगा। 9 नवम्बर को सुबह देव डोली भनकुन से अपने शीतकालीन स्थल मार्कंडी मंदिर मक्कू मठ पहुंच जाएगी। पूजा अर्चना के बाद डोली मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होगी। इस अवसर पर श्रद्धालु जनों ने भगवान तुंगनाथ की डोली का स्वागत किया। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।